नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सलोनी। चलिए रुक करते हैं समाचार की ओर। श्री गंगानगर रायसिंह नगर विशेष योग्यजन आयोग दल व राज्य मंत्री उमाशंकर शर्मा निर्धारित समय से काफी देरी से रायसिंह नगर पहुंचे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पंचायत समिति ने आमजन को संबोधित किया व जरूरतमंद दो दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल भेंट की। अपने उद्बोधन में उन्होंने राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार से वर्णन किया व योग्यजन को हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाने का वादा किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने कार्यभार संभालने के साथ ही राजस्थान की सभी 392 तहसीलों का भ्रमण कर योग्य विशेष जन की समस्याओं को सुनने में उनके निराकरण करने का सौभाग्य मिला। इस मौके पर युवा कांग्रेसी नेता पिंकी गौड़, मनोनीत पार्षद सतपाल कौशिक, गगनदीप सिंह पूर्व सरपंच, बलदेव सिंह बराड़ सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति व कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। आवाज न्यूज राजस्थान के लिए रायसिंह नगर से संवाददाता आरएस कड़वा की रिपोर्ट। उनके बारे में बात हुई, बारे में आपका। देखिए, आज रायसिंह नगर में मेरा कार्यक्रम था मिशन तहसील 392 के तहत माननीय मुख्यमंत्री विशेष योग्यजनों से मुलाकात करने का कार्यक्रम था। उनसे मुलाकात की, उनकी समस्याओं सुना, उसके बाद यहाँ जैन की तरफ हमारा जो परिषद है, इस परिसर के अंदर एक कार्यक्रम पिंकी गौड़ जी द्वारा आयोजित किया गया। इस दौरान अलग अलग तरीके की समस्याओं से उन्होंने मुझे अवगत करवाया, कुछ बिंदु भी लिखवाए हैं कि सर ऐसे ऐसी अगर समस्याओं पर काम किया जाए तो हम संगठनात्मक रूप से बहुत अच्छे तरीके से कोई भी काम कर सकते हैं। सुझाव इन्होंने दिए हैं और उनको बिल्कुल संबंधित तक जो हमें पहुँचाने चाहिए वहाँ पर पहुँचाऊँगा ताकि और अच्छे से करा सकें। तो ये जो आपने मिशन 392 चलाया है, इसके पीछे आपका मोटिव क्या है? मोटिव देखिए कि आज एक विशेष योग्यजन एक ऐसा वर्ग है जिसको अगर आप थोड़ा सा भी हौसला देते हैं तो वह एक के बाद एक काम करता चला जाता है। इसके आपको मैं उदाहरण देता हूँ। आज ईजा सिंगल को आप देखिएगा, दिल्ली के अंदर आईएएस ऑफिसर, और ज़्यादा दूर क्यों जाएँ, अगर मैं खुद ही हूँ, मैं खुद भी 42% दिव्यांग हूँ और आपके सामने खड़ा हूँ स्टेट मिनिस्टर के पद पर। देवेंद्र झाझरिया जी को ले लीजिए, आज आप सुंदर गुजर जी को ले लीजिए, ताप्ती अवस्थी जी को ले लीजिए, कितने पैरा खिलाड़ियों ने ओलंपिक के अंदर आज गोल्ड मेडल जीते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में आईएएस हों, जुडिशियल सर्विसेज हों, पीसीएस सर्विसेज हों, सब में एक के बाद एक नाम रोशन किया है। तो मेरे को लगता है कि अगर विशेष योग्यजनों को राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई समस्त योजनाओं का लाभ दिया जाए तो राजस्थान का एक एक दिव्यांगजन राजस्थान के विकास के अंदर अपनी मुख्यधारा में चल सकेगा, वह अपने कार्य कर सकेगा। और मैं आपको बताता हूँ कि आज विशेष योग्यजनों में एक खुशी की लहर है मिशन तहसील 392 को लेकर, क्योंकि जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ पर एक के बाद